अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कैसे हो दोस्तों? अल्लाह आप सबको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। इस 30 सेकंड की वीडियो ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इस 30 सेकंड की वीडियो ने, जिसको आपने स्टार्टिंग में देखा, मेरे दोस्तों मैं इस वीडियो पर तबसरा करूँगा, लेकिन मैं इससे पहले बहुत कुछ कहना चाहता हूँ ताकि हमारी कौम की इस्लाह हो सके और हमारी कौम की बच्चियों की इस्लाह हो सके। मेरे दोस्तों, इस लड़की का नाम है फिरदौस। फिरदौस जो कि इस लड़की ने यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट रैंक बनाई है, आप देख सकते हैं हुलिये से, माशाल्लाह, नकाब, बापर्दा, हिजाब के अंदर है माशाल्लाह। और मैं एक शेर पढ़ा भी करता हूं कि तरक्की और बुलंदी के लिए नंगा होना जरूरी नहीं है, तरक्की और बुलंदी के लिए नंगा होना जरूरी नहीं है, अगर नंगे होने से ही तरक्की और बुलंदी मिला करती तो कुत्ते और गधे आज साइंसदां होते, कुत्ते और गधे आज साइंसदां होते। दुश्मन तो चाहता है हमारी कौम की बेटी नंगी हो जाए। और मैं उन बहनों से भी गुजारिश करूंगा, इस बहन को देखें, इस बहन को देखें और इबरत हासिल करें कि तरक्की के नाम पर नंगा मत हुई आप। ये फिरदौस बहन ने वो मिसाल कायम की है जो बहुत सी लड़कियां इसको अपना आइडल बना सकती हैं। टॉप किया यूनिवर्सिटी के अंदर, टॉप, फर्स्ट रैंक पूरी और हम जानते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर हजारों बच्चे होते हैं और फर्स्ट रैंक लाना उसके अंदर बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये इस बहन ने उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा मारा है जो ये कहते हैं कि बुरका, नकाब, हिजाब बच्चियों की तरक्की को दबाता है। तुम उन बेवकूफों से कहूंगा कि यह हमारी फिरदौस बहन तुम्हारे मुंह पर तमाचा है। और मेरा यह शेर उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो मैं कह रहा हूं, पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं कि तरक्की और बुलंदी के लिए नंगा होना जरूरी नहीं है। तरक्की और बुलंदी अगर नंगे होने से मिला करती तो कुत्ते और गधे आज साइंसदां होते। इस वीडियो को देख लीजिए आप, पहले आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर, देखिए मेरे दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा और कुछ नोटिस किया आपने? देखो, ये तो बात है ही कि वो बापर्दा है हमारी बहन, बुरके में है, लेकिन जैसे ही जो चीफ गेस्ट थे, चीफ गेस्ट उसको गोल्ड मेडल पहनाने के लिए कहते हैं तो वो हमारी बहन मना कर देती है कि आई एम सॉरी, मैं आपके हाथ से, एक पुरुष के हाथ से गोल्ड मेडल नहीं पहन सकती। तो आपने नोटिस किया हो कि फिर वो गोल्ड मेडल एक खातून उस बहन को पहनाती है। सुभान अल्लाह, ये हैं इस्लाम की शहजादियां, ये हैं इस्लाम की शहजादियां जिनके लिए हर सच्चा मुसलमान, जिनकी आबरू के लिए, जिनकी इज्जत के लिए, जिनकी तरक्की के लिए दुआएं करता है। और एक वो हैं हमारी बहनें, बहन तो कहा ही जाएगा, बहन ही है भाई, लेकिन तकलीफ देती हैं हमें। आपको शहजादी कहा गया, रहमत कहा गया है इस्लाम के अंदर, इसलिए अपने वकार को पहचानिए, इस दुनिया की चमक धमक में अंधा मत हुई। एक वो बहन थी हमारी मुस्कान, जिन्होंने कुछ कुत्तों का सामना किया था कर्नाटक में, उसने भी देखिए हिजाब वाली थी, अब तो हमारी हिजाब वाली बहनें ही माशाल्लाह रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही हैं और कौम मुस्लिम का फख्र से सर ऊंचा कर रही हैं। मैं तो इस बहन के लिए दुआ गो हूँ कि रब कदीर इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला इस बहन को तरक्की दे और हमारी वो बहनें भी जो कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मेहनत कर रही हैं। और बस मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे ज़रूर मिलूंगा, लेकिन जाते जाते यही कहूंगा कि हमारी वो कौम की बच्चियां, वो बहन बेटियां हमारी इस फिरदौस बहन से इबरत हासिल करें और इसको अपना आइडल बनाएं और बापर्दा होएं और बापर्दा रहा करें, इसलिए कि आप इस्लाम की शहजादियाँ हों। मैं रब कदीर से दुआ गो हूँ कि रब कदीर हमारी कौम की बच्चियों की अकायद व ईमान और इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।